अगर आप बालों को लंबा और घना करने की सोच रहे हैं तभी इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अपने बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं या फिर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बालों को लेकर चिंता में आ जाते हैं। ऐसे में बालों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप एक दिन में कई बार बालों के लिए उपचार खोज रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। जी हाँ, आज हम आपको बालों को लंबा घना करने का कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने हो जाएंगे, जिसे जानकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, जी हाँ दोस्तों, मेहंदी को प्राकृतिक कंडीशनर भी माना जाता है, जो रूखे और बेजान बालों को चमकदार और रेशमी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे तो ज्यादातर महिलाएं बालों को एक अलग रंग देने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और साथ ही ये जड़ों को मजबूत भी करता है। इसके लिए आप एक कप मेहंदी पाउडर में आधा कप दही मिला लें और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे बालों की जड़ों से लेकर छोर तक लगा लें। फिर मेहंदी को अच्छे से यानी 3 से 4 घंटे तक सूखने दें और फिर बालों को शैम्पू कर लें। मेहंदी का इस्तेमाल आप 1 या 1.5 महीने में एक बार कर सकती हैं। नंबर दो, दोस्तों, घने बालों के लिए अन्य प्रभावी घरेलू उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग के गुण मौजूद होते हैं, ये जड़ों के पीएच स्तर को भी सुधारता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए 1 या 2 एलोवेरा जेल की पत्तियों के जेल को आप निकाल लें और फिर इसे बालों की जड़ों से लेकर छोर तक लगा लें, और फिर जब यह सूख जाए या फिर 1/2 से 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को अच्छे से धुल लें। नंबर तीन, दोस्तों, हमें अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना चाहिए जिनमें प्रोटीन, खनिज, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर, अंडा, ब्रोकली, साबुत अनाज, पालक, फूल गोभी, ओट्स आदि का सेवन करें, और आप ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं, जैसे अंगूर, मौसमी, गाजर आदि का जूस। इससे भी आपके बालों को पोषण मिलेगा और आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। नंबर चार, अलसी। दोस्तों, अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन से समृद्ध होता है। अलसी प्राकृतिक रूप से घने बालों को बढ़ावा देने में मदद करती है। अलसी का इस्तेमाल करने के लिए 1/4 कप अलसी को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह को अब अलसी को निकाल दें और 2 कप पानी में इसे तेज आंच पर गर्म करें। जब मिश्रण जेल की तरह बन जाए तो गैस को बंद कर दें और जेल को छान लें। आप अपने अनुसार अपने पसंद का तेल भी इसमें मिला सकते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर बालों में अच्छी तरह से लगाकर मसाज करें। इससे घुंघराले बाल भी सीधे हो जाते हैं और हमेशा के लिए सही हो जाते हैं। नंबर पाँच, जैतून का तेल। दोस्तों, जैतून के तेल की मालिश शरीर और सिर दोनों में करने से आराम मिलता है। हल्के गुनगुने जैतून के तेल की 45 मिनट तक सिर में मालिश करें। यदि आपके पास समय हो तो सिर में 1 रात के लिए लगा हुआ रहने दें। अगले दिन बालों को शैम्पू से धुल लें। ध्यान रहे, जब आप बालों को धुलें तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।